पालक के पकौड़े और कई अलग अलग तरीके के पकौड़े भजिया तो हम बनाते ही हैं, लेकिन अगर आप एक बार इस नए तरीके से बने आलू पालक प्याज के पकौड़े बनाना सीख लिए तो हमेशा इसी विधि से बनाइएगा। इसमें हम एक चटपटा सा मसाला डालेंगे जिससे स्वाद दुगना हो जाएगा और पकौड़े बिल्कुल भी तेल नहीं सोखेंगे। आप देख सकते बहुत ही ज्यादा कुरकुरे बने हैं, इतना टेस्टी है कि जो भी खाएंगे आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो चलिए देखें कैसे बनाते हैं। इस टेस्टी कुरकुरे पकौड़े को बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में डालिए बारीक कटी एक कप पालक, ग्राम में 50 ग्राम। तो सिर्फ पालक के पत्तों का इस्तेमाल करें और धो के पानी सुखा लें। साथ ही डाल दीजिए लंबाई में बारीक कटा हुआ एक बड़ा प्याज, लंबाई में बारीक कटी शिमला मिर्च, एक लंबाई में पतला कटा हुआ गाजर। और दोस्तों यहाँ पे मैंने फूल गोभी का एक फूल लिया है, इसे धो लिया है। और बैंगन के दो लंबे लंबे स्लाइस लिए हैं, तो बैंगन को भी हम इस तरीके से पतले पतले काट लेते हैं। सब्जी जितनी पतली होगी ना पकौड़े उतने ही जल्दी पकेंगे और क्रिस्पी बनेंगे। और वैसे ही गोभी को रफली काट लीजिए। तो जो सब्जी आपको नहीं पसंद या फिर घर में नहीं अवेलेबल है उसे स्किप कर दीजिए, आप इसमें बंद गोभी भी डाल सकते हैं। बाउल में डाल दें बैंगन, फूलगोभी और एक बड़े साइज के लंबाई में पतले कटे हुए आलू। जब आपको पकौड़े बनाने हो तभी पानी से अलग कीजिए, ऐसे आलू काले नहीं पड़ते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। ऐसे करने से सब्जियां एक तो काली नहीं पड़ेंगी और सब्जी से पानी भी अलग होगा। और साथ में ही डाल दीजिए 1 टेबल स्पून नींबू का रस। ऐसे पकौड़े चटपटे भी बनेंगे और हर सब्जियों का रंग बरकरार रहेगा। फिर से मिला लीजिए तो अभी आपको सब्जियां बहुत दिख रही होंगी, लेकिन जब हम बेसन में मिक्स करेंगे ना तो काफ़ी कम हो जाएगा। अब इसे 2 मिनट के लिए साइड रखिए, तब तक हम पकौड़ों का मसाला बना लेते हैं। चटनी जार में डालिए साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1/2 छोटी चम्मच सौंफ, 10 से 12 साबुत काली मिर्च, 1 सूखी लाल मिर्च, 2 चुटकी हींग, बिना पानी डाले पल्स मोड पे पीस ले। दरदरा पीस जाने के बाद अब इसी में डाल दीजिए 2 इंच अदरक। तो हलवाई पकौड़ों के लिए इसी तरीके से मसाले बनाते हैं, इसलिए बहुत टेस्टी बनता है। 2 हरी मिर्च, मिर्ची अगर ज़्यादा खाते हैं तो 4 भी डाल सकते हैं, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, फिर से पीस ले। तो कुछ सेकंड में ही पीस गया है। तो अगर आप ज़्यादा मात्रा में पकौड़े बना रहे हैं तो इस तरीके से मसाले बना के पहले से ही रख सकते हैं, तब और भी ज़्यादा झटपट बन जाएगा पकौड़ा। इधर 2 मिनट भी हो चुका है और आप देखिए सब्जियों से कितना सारा पानी अलग हुआ है। और अब हम इसमें बाकी की चीज़ डाल देते हैं। तो पहले 3/4 कप बेसन डालिए, फिर जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम और डालेंगे। और बेसन बारीक वाला ही इस्तेमाल करें। पकौड़े कुरकुरे बने इसलिए 2 चम्मच चावल का आटा भी डाल दें। अगर चावल का आटा नहीं है तो आप बारीक वाली सूजी भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, रंगत देने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, आप स्किप कर सकते हैं। साथ ही डाल दीजिए 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 2 चम्मच धनिया पत्ती और ये जो हमने मसाले का पेस्ट तैयार किया है इसे भी डाल दें। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक और नींबू का रस हमने पहले ही डाल दिया है। अब सारे चीज़ों को अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अभी आपको बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है और हम इस तरीके से हाथों से मैश कर लेंगे ताकि प्याज के लच्छे अलग हो जाए और सब्जी पालक सॉफ्ट हो जाए। और मैश करने से ना सारे मसाले बहुत ही अच्छे से मिल जाएंगे और जितना पानी अलग होना है ना वो अभी अलग हो जाएगा। मिलाने के बाद थोड़े और बेसन की ज़रूरत है हमें, इसलिए पूरा मैंने 1 कप डाल दिया है, यानी कि 120 ग्राम बेसन। तो आलू पालक प्याज के पकौड़े में अगर 1-2 सब्जी और मिला करके बनाइएगा तो और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि आप इसमें जो इच्छा ना हो वो सब्जी स्किप कर सकते हैं, और अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते तब भी आप स्किप करके बना सकते हैं। ध्यान देने वाली बात, नमक आपको हल्का ही डालना है क्योंकि हम कोई भी पकौड़े सॉस चटनी के साथ खाते हैं और ऊपर से चाट मसाला भी स्प्रिंकल करते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है और जब आप इस तरीके से करेंगे तो डो की तरह ये चिपचिपा सा हो गया है। और अब हम 5 मिनट के रेस्ट पे रखेंगे ताकि बेसन चावल का आटा पानी सोख कर ले। तब तक लो फ्लेम पे हम ऑयल को गर्म होने के लिए रखते हैं। 5 मिनट हो चुका है, अब आखिर में डाल दीजिए 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा।
सोडा डालने से पकौड़े बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। फिर से मिला लीजिए, तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा रंग दिख रहा है पकौड़ों का। तो आप ही नींबू नमक शुरू में डाल के छोड़ दीजिएगा सब्जियों को। तो इस वेजिटेबल पकौड़े के बैटर को बनाने में मैंने जरा भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, सब्जियों ने खुद से पानी अलग किया है। तो जब आप हाथों में लेंगे तो देखिए बहुत ही अच्छे से बाइंड हो रहा है। बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डालना है, वरना सिर्फ बेसन का स्वाद आएगा। तेल में हम पकौड़े को इस तरीके से गोल करते हुए नहीं डालेंगे, ऐसे पकौड़े कुरकुरे नहीं बनते हैं। सारी सब्जियां पके इसलिए हम ऐसे फैलाते हुए तेल में डालेंगे। पकौड़े बनाने से पहले हाथों को जरूर पानी से भिंगो लें, यानी कि साफ कर लीजिए, ताकि बिल्कुल भी हाथों में ना चिपके पकौड़े का बैटर। तलने के लिए यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, तेल गर्म हो चुका है। और आपको बिल्कुल भी ये नहीं देखना है कि पकौड़े में शेप आ रहा है कि नहीं, हम फटाफट तेल में डालते हैं और डालने के टाइम फ्लेम को कम कर दें ताकि एक समान कलर आ पाए। तो आप हल्के फ्राई करके पकौड़े को तेल से निकाल सकते हैं और जब आपको सर्व करना हो तब दोबारा से डीप फ्राई कर सकते हैं। मिक्स वेज पकौड़े डालने के बाद फ्लेम को मीडियम कर दें। जब एक मिनट फ्राई हो जाएंगे तब आप उल्टे, तो देखिए कितने मज़ेदार दिख रहा है, कलर भी बहुत ही प्यारा आ रहा है। आप ये पकौड़ा चाय के साथ खाना हो कभी भी आप बना सकते हैं, और इस तरीके से फटाफट मेहमानों के लिए भी बना के सर्व कीजिए, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। उलटने के बाद दूसरी तरफ से भी हम 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं, यानी कि तब तक फ्राई करेंगे जब तक एक प्यारा सा गोल्डन कलर ना आ जाए। तो मुश्किल से आपको 3 मिनट का टाइम लगेगा। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कलर आ गया है ऑयल से निकालने, और फ्राई होने के बाद भी सब्जियों का कलर सारा निखर के आ रहा है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल भी पकौड़े ने तेल नहीं सूखा है और बहुत ही कुरकुरे बन के तैयार हुए हैं। इसी तरीके से हम सेकंड बैच फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए सेकंड बैच भी फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही कुरकुरे मज़ेदार पकौड़े बने हैं। जब आप इसे ऑयल से निकालिएगा ना तो थोड़े से आपको सॉफ्ट लगेंगे, लेकिन कुछ सेकंड के बाद ही बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे हो जाएंगे। तो देखिए जिस तरीके से शेप होल्ड किया हुआ है, पता चल रहा होगा कि कितने कुरकुरे हैं। तो लीजिए तीसरा बैच भी तैयार है। तो थाली भर के ढेर सारे कुरकुरे मज़ेदार पकौड़े बनके तैयार हैं। तो मैंने पहले भी अलग अलग तरीके के पकौड़े की रेसिपी दी है, तो इसे भी आप ज़रूर बनाएं। अगर इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी बहुत तारीफ होगी। मैं सर्व करती हूँ, मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। देखिए सारे पकौड़े बहुत ही अच्छे बने हैं और कुरकुरे भी हैं। सारी सब्जियाँ पकी हुई भी हैं, आप एक बार ज़रूर बनाएं। देखिए अब पकौड़ों का स्वाद दुगना बढ़ाने के लिए ऊपर से सर्व करने से पहले चाट मसाला जरूर स्प्रिंकल करें, टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। तो दोस्तों वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अभी तक आपने घर का जायका चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं इसी तरीके से अच्छी आसान वीडियो आप तक पहुंचाती रहूं। कुरकुरे पकौड़े को गर्मा गर्म इंजॉय करें।